आज फिर वही सपना देखा। मैं घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा हूँ अपने सब फ्रेंड्स के साथ, और पता है मेरी मैडम कहाँ है? लैपटॉप में। पापा को अक्सर लैपटॉप पर मीटिंग लेते देखता था, तो मैं भी सोचता था कि कभी कभी मेरी मैडम भी लैपटॉप पर क्लास ले। जब कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ और मम्मी ने बताया कि कुछ दिन के लिए ऑनलाइन पढ़ाई होगी, तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पर ये क्या बात कर रहे हैं मम्मी पापा, ऑनलाइन क्लासेस बंद होनी चाहिए? मैंने तो अक्सर पापा को मम्मी से कहते सुना है कि तुम्हें कुछ आता जाता भी नहीं है, थोड़ा टैक्सी भी बनो, कुछ सीखो, आने वाले समय में ये सभी काम आएगा। तो फिर जब हमारा समय टैक्स सेवी बनने का आया, तो हमें क्यों मौका नहीं देते? हाँ, मैं मानता हूँ हम सब दोस्त एक दूसरे को देखकर लैपटॉप पर कुछ समय के लिए भूल गए कि मैडम भी वहाँ हैं, मम्मी भी तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए मुझे कार्टून के सामने बैठा देती है, और पापा की मीटिंग होती है तो मुझे अपने मोबाइल पर गेम ही लगा कर दे देते हैं। क्या टीवी पर कार्टून देखना और मोबाइल पर गेम देखना ठीक है, पर ऑनलाइन पढ़ाई क्या गलत है? अभी नई नई ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है तो थोड़ा हंसी ठिठोली कर ली हमने, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर कुछ समय की ही तो बात है। ऑनलाइन पर मैं अपने फ्रेंड्स को माय होम, माय फेवरेट टॉय, माय पेट के बारे में बताता थोड़ी, उनको दिखाता। हम साथ में मिलकर सैलड डेकोरेशन करते और अपने अपने घर में करते। मैडम के साथ हम ऑनलाइन लंच भी करते, कितना मज़ा आता। स्कूल में इन सब टॉपिक्स पर बात करना कितना बोरिंग लगता था। टीचर्स ने भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था ना, तब समझाया था मम्मी पापा को कि इस उम्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं, पर अब क्या सब सपने टूट गए।